हे गाइज, दिस इज आशीष एंड अनदर योर मोस्ट वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में, हम हमारे चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि हाइब्रिडाइजेशन में लगभग हर बार पूछ लिए जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में से टोटल क्वेश्चन की 6 वेराइटी सिलेक्ट की है जिनका की पैटर्न हर बार सेम रहता है, और उन्हीं 6 क्वेश्चन में से आपसे नीट और आईआईटी दोनों में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैंने यहाँ पे जो 6 क्वेश्चंस लिए हैं वो लिए जो एग्जाम में लगभग हर बार आईआईटी और नीट में पूछ लिए गए हैं ऑलरेडी। तो चलिए, तो हम शुरू करते हैं। बस आप पेन और कॉपी साथ में रखना, वो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना और साथ साथ नोट्स बना लीजिए, बिकॉज आज के लेक्चर में से 2 क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन यहीं से आएंगे। मैं जो वेराइटी कराने वाला हूँ उन्हीं वेराइटी में से क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने लेक्चर नंबर 2, 3 और 4 नहीं देखा तो कोई बात नहीं है, बट ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको लेक्चर नंबर 4 में 2 एग्जाम्पल दिए थे होमवर्क करने को। बहुतों ने उसका कमेंट बॉक्स में जवाब दिया था, लेकिन बहुतों का रॉन्ग था, बहुतों का करेक्ट भी था, लगभग 50% का करेक्ट था। कोई बात नहीं, जिसका करेक्ट था वो भी देखना, जिसका रॉन्ग था वो भी देखना। चलिए देखते हैं। मैंने एक ही क्वेश्चन को करने के आपको 2 तरीके बताए थे। सबसे पहला जो तरीका था वो था हमारा स्ट्रक्चर से, स्ट्रक्चर से कैसे सोल्व करते हैं ये देखिए। BO3-3, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। हमने यहाँ पे 3 साइड एटम ऑक्सीजन जोड़ दिया, यहाँ पे -3 चार्ज है, इसलिए यहाँ पे एक एक बॉन्ड को कैंसिल कर देगा, वरना ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। देखिए बोरोन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगुरेशन होता है 1s2 2s2 2p1, मतलब आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी टोटल वैलेंसी कंप्लीट होती है। और ये तीनों इलेक्ट्रॉन इसने अब ऑक्सीजन के साथ साइड एटम के साथ शेयरिंग कर ली। लोन पेयर 0 है। स्टेरिक नंबर निकालते हैं, स्टेरिक नंबर बराबर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, तो यहाँ पे स्टेरिक नंबर 3 आ जाएगा। इससे क्या क्या रिजल्ट निकलता है हमारा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट वाला तरीका यह होता है। दूसरा तरीका होता है इसको आयन से करने का। आयन वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया था लेक्चर नंबर 4 में, कॉन्सेप्ट नंबर 2। देखिए एक्स की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले एक्स की वैल्यू निकालिए। बोरोन का आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, आउटर मोस्ट सेल में बोरोन के इलेक्ट्रॉन 3, 3 रख दिया हमने। ऑक्सीजन का क्या होता है, NH2NP4, 1s2 2s2 2p4 होता है, तो NH2NP4 यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। ओके, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ पे कितने टोटल, टोटल यहाँ पे 3 एटम, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। देखिए मैंने आपको बताया था अगर नेगेटिव में चार्ज है तो वहां पे पॉजिटिव ऐड कर देना है, बट अगर पॉजिटिव में चार्ज है उस कंडीशन में माइनस कर देना इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे नेगेटिव में 3, 3 यहाँ पे नेगेटिव में चार्ज है, तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। कर दिया, कैलकुलेशन कर लीजिए। एक्स बराबर 3 + 6 = 18, 18 और 3 = 21, तो ये कितना जाएगा, 24। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पे हमको किससे डिवाइड करना है, अगर 8 के इक्वल या 8 से लेस देन है एक्स की वैल्यू, उस कंडीशन में 2 से डिवाइड करते हैं, बट अगर एक्स की वैल्यू 8 से ग्रेटर देन है उस कंडीशन में 8 से डिवाइड कर देते हैं, या 3 आ जाता है, तो इसका रिजल्ट भी sp2। देखिए बिल्कुल सेम आ रहा है दोनों रूल से। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, बट मैं सबसे बेटर रूल मानता हूँ इसको, बिकॉज इससे आप कहीं भी क्वेश्चन सोल्व करो, बट अगर नॉर्मल वाला आ जाता है तो आप इससे कीजिए, ये वाला स्ट्रक्चर बनाना आता हो तो। अगर स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता तो आप इससे करिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, मतलब एग्जाम्पल नंबर 2। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल नंबर 2 है वो है I3-, इसको सोल्व करते हैं। देखिए अब मैं बताता हूँ सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है, वो है आयन वाला। आयन वाले कॉन्सेप्ट से सोल्व कीजिए। एक्स की वैल्यू निकालिए। एक्स की वैल्यू निकालने का तरीका, सबसे पहले आयोडीन, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगुरेशन क्या होता है, NH2NP5। अगर आप पे सबका नहीं आता तो जो हमारे जो ग्रुप का फर्स्ट वाला जो एलिमेंट होता है, जैसे कि यहाँ पे हेलोजन का है फ्लोरिन, उसका आना चाहिए 1s2 2s2 2p5, तो पूरे ग्रुप का क्या हो जाता है, NH2NP5 हो जाता है। उस कंडीशन में देखिए NH2NP5 मतलब 7 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने, ये 3 है, 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे नेगेटिव में चार्ज है -1, तो +1 ऐड कर देंगे, तो 21 और 1 22, तो 22 हो जाता है। एक्स की वैल्यू 8 से क्या है, ग्रेटर देन है, 8 से ज्यादा है, तो 8 से डिवाइड कर देंगे। 8 से डिवाइड करने पे क्या आता है, 2 + यहाँ पे कितना बचा हुआ है, अभी अभी यहाँ पे 6 और बचा हुआ है, तो यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड कीजिए, यह जाता है 3 बार, तो ये क्या आ जाता है, 2 + 3 कीजिए, यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, 5 आ जाता है। पांच जो स्टेरिक नंबर होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3d। नहीं समझ आया, फिर से बता रहा हूँ, सबसे पहले एक्स की वैल्यू निकालिए। यहाँ पे कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल में 7 लिखा, 3 एटम है, 3 से मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव में -1 चार्ज है तो +1 ऐड कर दिया। एक्स की वैल्यू आती है 22, जो कि 8 से ज्यादा है, उस कंडीशन में 8 से डिवाइड किया तो आया 2, और अभी हमारा बचा हुआ था 3, क्योंकि 6 बचा हुआ था, तो 2 से डिवाइड करते हैं तो 3 आ जाता है। जो भी हमारा रिमेनेंट में बचता है हम उसको 2 से डिवाइड करते हैं, ध्यान रखना 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आएगा, 0, 3, 2 और 3, 5, 5 हाइब्रिडाइजेशन किसका होता है, sp3d का।
तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। अब हम लेते हैं हमारे वो जो 6 क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट थे एग्जाम के लिए। तो अब हम हमारा यहाँ पे ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। वो है ज्योमेट्री ऑफ SF4। SF4 की ज्योमेट्री क्या होगी? एक बात ध्यान रखना, आपसे यहाँ ज्योमेट्री पूछा गया ना कि स्ट्रक्चर। मैंने आपको ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर दोनों में डिफरेंट बता दिया था, यहाँ ज्योमेट्री पूछा आपसे, स्ट्रक्चर नहीं। तो देखिए इसको करने का तरीका, सबसे पहले आप पे सल्फर का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगुरेशन आना चाहिए, ये होता है NH2NP4। क्योंकि ऑक्सीजन फैमिली का, तो ऑक्सीजन फैमिली का क्या, ऑक्सीजन का क्या होता है 1s2 2s2 2p4। तो आने वाले नीचे सारे ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है उसका भी सेम होगा, NH2NP4 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए करने का तरीका, सबसे पहले बना लीजिए स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मैंने बना लिया, फ्लोरीन, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, 4 वैलेंसी कंप्लीट, मतलब एक लोन पेयर बचा हुआ है, मैंने यहाँ पे लोन पेयर भी सेट कर दिया। अब देखिए कौन सा टाइप है, ये है हमारा टाइप, देखना आपको AB4L1। ए तो सेंट्रल एटम, बी ये मतलब चार क्या है, ये चार है यहाँ पे साइड एटम और एक लोन पेयर। अब देखिए आपसे यहाँ पे ज्योमेट्री पूछा ना कि स्ट्रक्चर। अब आपको फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है सीसो, सेकंड है पाइसेप, थर्ड है डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। देखिए मैंने ये AB4L1 टाइप ये रहा, सॉरी इस वाले चार्ट में नहीं है, इस वाले चार्ट में AB4L1 टाइप, ये देखिए ये रहा AB4L1 टाइप। उम्मीद करता हूँ आपने चार्ट ऑलरेडी बना रखा होगा। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ये वाला स्ट्रक्चर है बट ये वाला ज्योमेट्री है, तो इसका ज्योमेट्री तो हो जाता है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। बट आपको ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया, यहाँ देखिए ऑप्शन में कहीं भी नहीं दे ही नहीं रखा आपको, आपको यहाँ दे रखा है ये सब। अगर आपको यहाँ ट्राइगोनल बाईपिरामिडल दे था तो उस कंडीशन में आपको आंसर किसी भी कंडीशन में ट्राइगोनल बाईपिरामिडल लगाना पड़ता अगर ये तीनों दे देता फिर भी, बट यहाँ ये चारों दे रखे हैं ये, तो इस कंडीशन में हमको आंसर यहाँ पे ऑल ऑफ दीज ही करना पड़ेगा, बिकॉज हमारे पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर वाला आंसर मार्क करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। सबसे पहले वही करने का तरीका, आपको चार्ट याद होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगुरेशन लिखिए, स्ट्रक्चर बनाइए और देखिए कौन सा टाइप है, टाइप देखने के बाद सीधा आंसर निकल के आता है सीसो, पाइसेप, केसेप और डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो मैंने यहाँ पे जो एग्जाम्पल नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 2 था, या जो हाइब्रिडाइजेशन की जो वैरायटी क्वेश्चन की दूसरी थी, वो मैंने सेकंड वाला यहाँ पे ले लिया है। तो वो है हमारा विच ऑफ द सेट ऑफ स्पीसीज हैव सेम हाइब्रिडाइजेशन बट डिफरेंट शेप, मतलब कि उसका हाइब्रिडाइजेशन तो सेम है बट उनका शेप डिफरेंट है, तो उन इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन होगा? तो देखिए जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो है NO2+, NO2 एंड NO2-, सेकंड ऑप्शन है Cl(O4-) SF4XeF2, थर्ड ऑप्शन है NH4+, H3O+ एंड OF2, और फोर्थ ऑप्शन है SO4-2, PO4-3 और Cl(O4-). देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत ज्यादा, और आपको करने में इनको दो दो तीन तीन मिनट लग जाता है, बट मैं आपको क्वेश्चन करने का तरीका बता रहा हूँ, इस वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आप बहुत जल्द कर पाओगे। सबसे पहला तरीका है जितने भी यहाँ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर थर्ड ऑप्शन ले लिया बिकॉज मेरे पास टाइम कम है इसलिए, और आपके पास भी टाइम कम रहेगा तो अंदाजा लगाना थोड़ा, मैंने यहाँ थर्ड वाला ऑप्शन ले लिया। सबसे पहले आप फटाफट माइंड में स्ट्रक्चर बनाओ, बोर्ड पे नहीं और कॉपी में भी नहीं, आप माइंड में स्ट्रक्चर बनाइए। NH4+ इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगुरेशन क्या होगा नाइट्रोजन का, NH2NP3, ऐसे बनाया करो। यहाँ पे देखिए NH4+ है मतलब इसके 5 वैलेंसी, पांचों वैलेंसी खत्म, इसका तो इसका टाइप क्या हो जाता है, इसका टाइप हो जाएगा AB4L0। इसी प्रकार देखिए H3O+ ऑक्सीजन का होता है NH2NP4, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 वैलेंसी होती है आउटर मोस्ट शेल की। तो यहाँ पे देखिए H3O+ है, तो ये वाला टाइप क्या हो जाएगा, ये वाला टाइप हो जाएगा हमारा AB3L1। तीन तीन इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिंग कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं इसलिए लोन पेयर बन जाएगा एक, और 3 यहाँ पे बॉन्ड बन जाते हैं। OF2 वही AB2, ये क्या बनेगा AB2 और L2, इस प्रकार हमारे ये वाले टाइप बन जाते हैं। अब देखिए इसने पूछा है विच ऑफ द सेट ऑफ स्पीसीज है सेम हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन सेम हो बट उनका डिफरेंट शेप हो। तो देखिए शेप तो डिफरेंट हो ही रहा है ऑलरेडी, AB4L0 ये वाला क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा टेट्राहेड्रल, AB3L1 ये वाला क्या बन जाएगा, ये बन जाता है हमारा पायरामिडल, और AB2L2 ये वाला क्या बनेगा, सोचिए आप फटाफट, तो ये वाला बन जाता है हमारा एंगुलर। उम्मीद करता हूँ आपने चार्ट बना रखा होगा और चार्ट को बिल्कुल साथ में लेके बैठे होंगे, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए टेट्राहेड्रल ये बन जाता है हमारा क्या, पायरामिडल, और ये बन जाता है एंगुलर। तो देखिए इनका शेप तो डिफरेंट हो गया बट इनका हाइब्रिडाइजेशन देखना है, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का वही तरीका, यहाँ पे स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा 4, इस कंडीशन में इसका आ जाता है SP3, बिकॉज 4 सिग्मा बॉन्ड है तो SP3 हो जाएगा। यहाँ पे कितने हैं, 3
तीन सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तीन और एक चार, यहाँ पे भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और यहाँ पे दो सिग्मा बॉन्ड प्लस दो लोन पेयर, तो स्टेरिक नंबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी चार, हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो देख लीजिए जैसा क्वेश्चन में पूछा गया है वैसा मैंने बता दिया, तो आंसर नंबर हो जाता है हमारा क्या, फोर, आंसर नंबर फोर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब ले लेते हैं हम हमारा एग्जाम्पल नंबर थ्री या वेराइटी नंबर थ्री। मैंने यहाँ पे जो एग्जाम्पल नंबर थ्री लिया है वो लिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोसेस टू लोन पेयर एट सेंट्रल एटम, मतलब सेंट्रल एटम पे टू तो लोन पेयर होने चाहिए बट उसका जो शेप है वो स्क्वायर प्लेनर होना चाहिए, इन इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने का वही तरीका, मैंने आपको जो चार्ट बनवा रखा है वो इतना इंपॉर्टेंट, आप देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है, माइंड में स्ट्रक्चर बनाइए, स्ट्रक्चर आना आप पे बहुत जरूरी है। SF4 देखिए NH2NP4 ऑक्सीजन फैमिली का, ये हमारा क्या है ऑक्सीजन फैमिली का एलिमेंट है, NH2NP4 मतलब Ab4, इसकी सिक्स वैलेंसी होती है L1, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन ये और चार ये, छह इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं। XeO3, XeJ ज़ीनॉन नोबल गैस, तो ये क्या हो जाएगा Ab3 NH2 NP6 होता है, मतलब एट इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे तीन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, छह इलेक्ट्रॉन तो वैसे खत्म, बचेंगे यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, तो Ab3 L1 टाइप हो जाता है। फिर निकालते Cl F3 के लिए, ये क्या बन जाएगा NH2 NP5, मतलब यहाँ पे सेवन वैलेंसी होती है इसकी, क्योंकि फ्लोरिन का क्या होता है 1s2 2s2 2p5, NH2 NP5 मतलब सेवन वैलेंसी होती है यहाँ पे, तो जो सेवन वैलेंसी होती है तो तीन बॉन्ड बना लेते हैं, कितने बचेंगे चार, तो लिखिए Ab3, और जो चार बॉन्ड बचते हैं उसको उसको क्या बोलेंगे हम, टू लोन पेयर, Ab3 L2 हो जाता है। फिर आता है फोर्थ ऑप्शन ICl4-, ICl4-, देखिए स्ट्रक्चर आप माइंड में बनाइए फटाफट, आयोडीन ये क्या हेलोजन फैमिली का एलिमेंट है, तो NH2 NP5 होता है इसका भी, तो हमारा ये जो ये वाला टाइप होता है ये टाइप हो जाता है Ab4 L2 टाइप हो जाएगा, Ab4 L2, चार साइड एटम टू लोन पेयर बच जाते हैं, तीन इलेक्ट्रॉन बचते हैं और एक ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तो Ab4 L2 वाला हमारा यहाँ पे निकल के आ जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अब देखिए इसने पूछा टू तो लोन पेयर होने चाहिए सेंट्रल एटम पे और स्क्वायर प्लेनर शेप होना चाहिए, तो देखिए ये दोनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे, मतलब ये दोनों कैंसिल मैंने कर दिए, बिकॉज यहाँ पे लोन पेयर वन है, यहाँ पे भी लोन पेयर वन है, बट इन दोनों में लोन पेयर दो दो लोन पेयर है। अब देखिए क्वेश्चन को करने का तरीका वही, आपको यहाँ पे चार्ट निकालना पड़ेगा, Ab3 L2 एंड Ab4 L2, देखिए Ab3 L2 ये रहा, Ab3 L2 वाले का शेप होता है यहाँ पे टी शेप, और जो Ab4 L2 होता है, Ab4 L2 इसका शेप होता है स्क्वायर प्लेनर, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, हमारा आंसर जाएगा यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर Ab4 L2 वाला, तो यहाँ पे Ab4 L2 ICl4-, यहाँ पे ये आंसर चला जाता है। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड पूरा पूरा समझ आ गया होगा। चलिए अब हम ले लेते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर फोर या वेराइटी नंबर फोर। तो देख लेते हैं हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर जो कि मैंने यहाँ पे लिया है, इफ इक्वेटोरियल प्लेन इन PCl5, इक्वेटोरियल प्लेन इन PCl5 मॉलिक्यूल इज द XY प्लेन, द ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजिंग टू प्रोड्यूस एक्सियल बॉन्ड्स, मतलब जो PCl5 की जो एक्सियस होती है, जो बॉन्ड्स बनते हैं वो एक्सियस क्या होगी, आपसे ये पूछना चाह रहा है यहाँ पे, जो बॉन्ड बनते हैं उनकी एक्सियस क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने का तरीका है, आप उसका हाइब्रिडाइजेशन चेक कीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे ले लिया PCl5, इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं PCl5, ये कौन सा टाइप हो जाएगा, Ab5L0 टाइप है, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, एक क्लोरीन यहाँ जोड़ दिया और एक क्लोरीन मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, तो यहाँ पे PCl5 स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। देखिए तीन यहाँ पे कितने, पांच सिग्मा बॉन्ड आ जाते हैं, तो स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा, पांच हो जाएगा, बिकॉज स्टेरिक नंबर क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, तो ये क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन sp3d, तीन तीन ऑर्बिटल p के, एक s का और एक d का, तो पांच यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन आता है हमारा sp3d। अब देखिए मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि हम पे इस ये वाले मैंने आपको तीन देखे ये बताए थे, यहाँ पे चार्ट बनवा दिया था आपको याद होगा, sp3d में मैंने आपको बताया था pz+dz2, sp3d2 के लिए यहाँ पे pz भी आ जाएगा, dx2 y2 अलग से जुड़ जाता है और dz2, फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा, देखिए ये दोनों इसमें जुड़ जाएंगे, अब ये तीनों इसमें जुड़ जाएंगे और यहाँ dxy अलग से ऐड हो जाता है, तो sp3d के लिए आपको याद रखना है हमेशा, ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, dz2, sp3d2 के लिए dx2 y2 और sp3d3 के लिए dxy, ये तीनों आपको याद रख लेना है। तो देखिए dz2
डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी एक्स वाई, ये तीनों आपको याद रख लेना, ये तीनों यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। देखिए डी जेड स्क्वायर प्लस पी जेड एस पी थ्री डी के लिए आपको कहाँ पे दिख रहा है, पी जेड प्लस डी जेड स्क्वायर ओनली एक ही ऑप्शन है, बाकी कोई सा भी ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन। इस प्रकार हमारे चारों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। फिर से बता रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक कीजिए और आपको ये तीनों याद रखना है, डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स वाई, इनमें इन दोनों को इसमें ऐड कीजिए, फिर इन तीनों को इसमें ऐड कीजिए, इस प्रकार से याद रख लेना है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप नोट्स बनाइए, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो मैंने यहाँ पे वेराइटी ले रखी है। चलिए ले लेते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर फाइव। तो मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर फाइव लिया है वो लिया है, मैच ऑफ द स्पीसीज गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद द शेप गिवन इन कॉलम सेकंड एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। देखिए जो फर्स्ट वाला कॉलम है उसमें ओनली स्पीसीज दे रखी है, कंपाउंड दे रखे हैं, मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, और सेकंड वाला जो ऑप्शन है उसमें दे रखे हैं उनकी शेप, तो आपको उनसे मिलान करना है, मैच करना है। चलिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका भी वही, स्ट्रक्चर बनाइए अपने माइंड में और देखिए कौन सा टाइप बन रहा है। बेस वो टाइप जो ये वाला चार्ट है, ये वाला चार्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दो चार्ट बनवाए थे मैंने, आपको याद होगा। एक ये देखिए, एक तो ये वाला चार्ट था, आपने नहीं बनाया तो प्लीज लेक्चर नंबर टू देख लीजिए, वहां पूरा मिल जाएगा आपको, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, देखिए आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक तो ये वाला चार्ट था और एक ये वाला चार्ट था, आप इन दोनों चार्ट को बना लीजिए, आपके सारे क्वेश्चन करेक्ट हो जाएंगे आपको ये वाला याद होने के बाद में। तो देखते हैं यहाँ पे SF4, वही ये वाला कौन सा टाइप है, SF4 AB4 L1 टाइप, बिकॉज इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगुरेशन होता है NH2 NP4, तो AB4 L1 के लिए। देखिए इसका शेप क्या होगा, इसका शेप होता है हमारा सीसो पाई शेप के शेप, या सीसो पाई शेप के शेप या टेट्राहेड्रल, डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल। तो हमारा यहाँ पे इसको मिलान कर दिया मैंने ये वाले से। ओके अब देखते हैं BrF3 का। देखिए ये वाला टाइप क्या है, NH2NP5 होता है ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिग्यूशन, तो NH2NP5 तीन इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहा है, टोटल सेवन इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी सेवन होती है, तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद बचते हैं इसके पास चार इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला टाइप क्या हो जाएगा, AB3L2। और आप फटाफट देखिए AB3L2 के लिए क्या आंसर आता है हमारा, उसके लिए आता था बेंट टी शेप, ये भी मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, मैच कर दिया। अब देखते हैं BrO3-, BrO3-, इसका स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा देता हूं मैं। BrO3-, O3-, दो तो दो ऑक्सीजन ये जुड़ गए, एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा बिकॉज साइड ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। BrO3-, इसका क्या हुआ, NH2NP5 सेवन इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो तीन चार पांच, पांच इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर चुका है, एक लोन पेयर बचा हुआ है, मतलब AB3L1 इसके लिए क्या आता है हमारा, आप देखिए फटाफट। तो इसके लिए हमारा जो निकल के आता था वो आता था, मैं आपको दिखा देता हूँ, हो सकता है आप पे नहीं आता हो। देखिए AB3L1 के लिए हमारा क्या आता था, इसके लिए आता था पायरामिडल, AB4L1 के लिए सीसो पाइसेप के सेप टेट्राहेड्रल, AB3L2 के लिए टी शेप आता था, बस यही काम की चीज है। तो यहाँ पे ये मिलान किससे हो जाएगा, ये हमारा मिलान हो जाता है इससे। देखते हैं नेक्स्ट NH4+, NH4+ ये क्या हो जाएगा, NH2NP3, पांच इलेक्ट्रॉन, पांचों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर कर चुका, चार शेयरिंग करता है, एक डोनेट कर देता है, तो आ जाता है हमारा क्या, यहाँ पे आ जाता है टेट्राहेड्रल। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये फोर्थ क्वेश्चन भी पूरा पूरा समझ आ गया होगा। चलिए अब हम देख लेते हैं हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सिक्स। तो मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर सिक्स लिया है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयंस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जो मैंने आयन लिए हैं उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है बट उनका स्ट्रक्चर भी सेम है, दोनों के आइसो स्ट्रक्चर एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक, मतलब उनका स्ट्रक्चर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों सेम है, हमको इन चारों ऑप्शन में से ऐसा चेक कर लेना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका, सबसे पहले आप इन सबको अलग अलग लिख लीजिए, CO3-2 मैंने अलग लिख लिया, फिर लिख लिया NO2-, फिर लिख लिया मैंने यहाँ पे CO3-, सॉरी ClO3- लिखेंगे, हमने ClO3- लिख लिया, CO3- ऑलरेडी लिख चुके, अब देखते हैं हम यहाँ पे SO3-2, NO3- नहीं लिखा, NO3- लिख लेते हैं, और SO3-2 हमने लिख लिया, और NO3- भी लिख लिया। अब देखते हैं हम इन पांचों को, सबसे पहले क्वेश्चन करने का तरीका, आप इनका फटाफट हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिए, CO3-2 कार्बन का कितना होता है, NH2NP2 2H2 2P2, तो यहाँ पे चार वैलेंसी होती है, चारों वैलेंसी है यहाँ पे कंप्लीट कर चुका, तो यहाँ पे हमारा इसका जो सिग्मा बॉन्ड आते हैं वो कितने आते हैं, हमारे यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड आ जाते हैं। देखिए स्ट्रक्चर बना के आपको दिखा देता हूँ, हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए, CO3-2 डबल बॉन्ड,
एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे तीन, तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा हो जाता है sp2। लोन पेयर कितने हैं यहाँ पे, जीरो। ओके, इसी प्रकार एनओ टू माइनस का बनाते हैं। एनओ टू माइनस का देखिए फटाफट, एनओ टू माइनस का एन, एनओ टू माइनस नाइट्रोजन का होगा 1s2 2s2 2p3, NH2 NP3, 5 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, 2 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे रखते हैं, एक ये एक ये। अब देखिए पांच में से कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं अभी, वन, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन काम में आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो यहाँ पे क्या एक लोन पेयर हो जाएगा, 1 2 3, 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस एक लोन पेयर, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है sp2, और जो हमारा यहाँ पे एक क्या बच जाएगा, यहाँ पे एक लोन पेयर बच जाता है। ओके, इसी प्रकार देख लेते ClO3- के लिए, ClO3- क्लोरीन का कितना हो जाएगा, NH2NP5, मतलब यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं आउटर मोस्ट सेल के अंदर। तो देखिए क्लोरीन ClO3- डबल बॉन्ड, एक क्लोरीन यहाँ पे जोड़ दीजिए। अब देखिए हमारे टोटल 7 होते हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर चुका, 2 लोन पेयर अभी भी बचे हुए हैं। मैं वैसे ही बना रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर नहीं है, टाइम पास बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर, 5 हो जाएगा स्टेरिक नंबर, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp3d, और एक लोन पेयर शेष रहता है। फिर देखते हैं हमारे SO3- -2 के लिए। SO3- -2 का देखने से पहले, ये ऑक्सीजन फैमिली का एलिमेंट, NH2NP4 होता है, तो देखिए इसका भी स्ट्रक्चर बना देता हूँ। यहाँ पे कितने, 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन को जोड़ते हैं, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, और ये 3 ऑक्सीजन यहाँ पे जोड़ दी। SO3- -2, NH2NP4 होता है 2 और 2 4, एक लोन पेयर अभी भी बचा हुआ है, लोन पेयर मैंने यहाँ ऐड कर दिया। स्ट्राइक नंबर कितना हो जाएगा, 4, तो ये कौन सा टाइप हो गया, AB3L1, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और एक क्या बच जाता है यहाँ पे, एक बच जाता है हमारा लोन पेयर। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पे NO3-, वो इसका भी बना लेते हैं। NO3- का नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3, 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, देखिए NO3- ये ऐड कर दिया, 1 2 3 4, 5 इलेक्ट्रॉन, 5 शेयरिंग कर चुका, तो यहाँ पे कितना हमारा सिग्मा बॉन्ड आ जाते हैं यहाँ पे 3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा हमारा sp2, और यहाँ पे नंबर ऑफ लोन पेयर कितने, 0। अब देखिए इसने पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए और आइसो स्ट्रक्चरल होना चाहिए, उनका स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। अब देखिए स्ट्रक्चर सेम कब होगा, सॉरी यहाँ पे मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई थी, ClO3- यहाँ पे देखिए मैंने 2 लोन पेयर ऐड कर दिया था गलती से, यहाँ पे एक लोन पेयर रहेगा, तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन भी क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, यहाँ पे लोन पेयर कितना, एक मैंने यहाँ एक एक रखा था लेकिन वहां 2 रखा हुआ गया था गलती से, तो हाइब्रिडाइजेशन भी हमारा हो जाएगा sp3। अब देखिए मैंने यहाँ पे बताया आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चरल होना चाहिए, sp2 sp2, ये हमारा आइसो 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 क्या है, ये इसका स्ट्रक्चर सेम है, बट यहाँ पे इसमें यहाँ पे एक लोन पेयर है, यहाँ पे 0, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। फिर देखते हैं हम इन दोनों में 1 1 क्या है हमारा, यहाँ पे 1 1 लोन पेयर है, और हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, तो चांस रहता है इन दोनों का। ये sp2 है, इसको भी कैंसिल कर देते हैं, तो ClO3- और SO3- 2, यही हमारा आंसर हो जाता है। देखिए इसका टाइप क्या हो जाएगा, AB3L1, इसका भी AB3L1, तो हाइब्रिडाइजेशन भी सेम और स्ट्रक्चर भी सेम, बट यहाँ पे AB3L0 और यहाँ पे AB2L1, तो स्ट्रक्चर यहाँ पे 0, यहाँ पे सेम नहीं है बट यहाँ पे स्ट्रक्चर सेम है। इस कंडीशन में हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे मार्क हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और यही नहीं आपको टोटल 6 क्वेश्चन समझ आए होंगे। मैंने पूरी पूरी कोशिश की अपना 100% देने की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और आप मुझे पता ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे अभी वीडियो देखने में, बट आप ध्यान दीजिए, आप उन चैनल को ज्यादा देखते हो जहां आपको मजा आता है, वो लोग थ्योरी पढ़ा देते हैं और आप बेवकूफ बन जाते हो। आप ये देखिए ज्यादा क्वेश्चन कहाँ पे कराया जा रहा है, नीट और IIT में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ना कि थ्योरी और मजाक। हो सकता है आपको वहां समझ ज्यादा आता हो, लेकिन आपसे मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आप मेरे साथ रेगुलर बनिए, आपको भी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पूरा समझ आएगा। अगर जिस जिसने पूरा चार्ट बनाया होगा उसके आज के क्वेश्चन समझ आए होंगे, और जिस जिसने चार्ट नहीं बनाया उसके क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ नहीं आए होंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आप साथ साथ चलिए, नोट्स बनाइए, आपको सब कुछ समझ आएगा। और मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, जहां आपको पूरा पूरा बेनिफिट मिल रहा हो आप उसी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां से आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करेक्ट होते हैं वहां उसको सब्सक्राइब कीजिए, ना कि उसको जो थ्योरी पढ़ा के आपको खुश कर देता है और आप खुश हो जाते हो। आप मुझे पता आप क्वेश्चन तो लगाते हो नहीं और आपको थ्योरी मिल जाती है तो आप खुश हो जाते हो। मैं कहता हूँ आप मार्केट जाइए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक लेके आइए, और बुक लाने के बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाइए हाइब्रिडाइजेशन के, जहां से आपको ज्यादा क्वेश्चन करेक्ट हो जाते हैं जिस लेक्चर से, आप उसी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं कहता हूँ आपको मेरे चैनल से, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वहां से ज्यादा करेक्ट होगा, ये मेरी गारंटी है। बिकॉज मैंने हाइब्रिडाइजेशन में जितने भी क्वेश्चन की वैरायटी बनती थी
सब कुछ बता दिया, सब कुछ बता दिया, सारा मैटर, एक भी बिल्कुल भी एक एक्सेप्शन तक नहीं छोड़ा। तो आप मेरे सारे लेक्चर देख लीजिए, 5 लेक्चर आज कंप्लीट हो चुके केमिकल बॉन्डिंग के। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट को बता दीजिए। और अगर अभी तक आपने लेक्चर नंबर 2, 3 और 4 नहीं देखा तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो उसका लिंक है वो मैंने वहां पे आपको मिल जाएगी, आप वहां पे जाके देख लीजिए। और आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।